सरायपाली के सागरपाली गांव में वन विभाग की टीम ने खैर प्रजाति के लकड़ी से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि लकड़ी तस्कर द्वारा खैर प्रजाति की लकड़ियों को भूसे की आड़ में लाकर इकट्ठा किया जाता था और फिर कुछ दिनों बाद बड़ी गाड़ियों से दूसरे राज्यों में अन्य लकड़ी तस्करों को भेजा जाता था। इसी कड़ी में वन विभाग की पूछताछ में भवन मालिक प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि उस भवन को अलाउद्दीन नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया था और उस व्यक्ति के द्वारा ही यह सब कार्य किया जा रहा है। बहरहाल वन विभाग की टीम ने भवन परिसर मालिक के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही वन विभाग द्वारा उनके किराएदार अलाउद्दीन की भूमिका की जाँच भी की जा रही है। आज मॉर्निंग में मुखबिर से पता चला था कि सागरपाली में ये प्रवीण अग्रवाल के यहाँ गोदाम में कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। वो लकड़ी क्या है वो आने के बाद ही पता चला। यहाँ आने के बाद पता चला कि खैर के जो है बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं और डंप क्या हुआ था।